स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाली हूँ एक फ्रेंड के घर पे जो यूट्यूबर है और उनके 100K कंप्लीट हो चुके हैं। उनका नाम है मेघांजलि जी और सब उनको बधाइयां देने उनके घर पहुंच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी जाने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं फिर। तो माझा बर्थडे काही संपत नाही आहे, बर्थडेचं सेलिब्रेशन चालूच आहे आणि खूप छान वाटतंय मला की इतकं छान प्रेम मिळतं ना सगळ्यांकडून। आज या ताई आहेत, या माझ्याकडे आल्यात आणि विथ फॅमिली आल्यात पूर्ण त्या, आणि सरप्राईज आहे ऍक्च्युली माझ्यासाठी आणि खूप छान वाटतंय मला। मॅडम के 100K कंप्लीट हुए तो इसके लिए हम लोग कंग्रेचुलेशन देने आए, और संडे को बर्थडे भी था इनका, तो बर्थडे में मैं किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो वही मैं शुभकामनाएं देने आई हूँ। इसी तरह से मैडम दिन दुगना रात चौगना तरक्की करें और हम लोग इसी तरह से मिलने आए। असे कल्याण मध्ये कितीतरी मला असं वाटतं भरपूर युट्यूबर्स असतील जे हमको पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत सारे रहेंगे कल्याण युट्यूबर्स। क्या कहूँ, कुछ सब नहीं है, सबसे मतलब बहुत बड़ी यूट्यूबर है हमारे कल्याण इष्ट की। इन्हीं से हम लोगों ने बहुत सारी सीख ली है कि मतलब एक हाउस वाइफ होने के नाते क्या क्या कर सकते हैं हम घर बैठे। तो इनको देख के हमने भी सीखा है और हम भी मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं कब मुकाम तक पहुँचते हैं हम भी। जरूर पहुंचेगी। आपका बचपन है मैडम। तशीच मी आहे, तर इन्स्पिरेशन म्हणजे मिळतंय ना सगळ्यांना माझ्याकडून, तेच मला खूप चांगलं वाटतं आणि मी स्वामींना नेहमी तेच प्रार्थना करत असते की जसं मला तुम्ही यश देता किंवा जसं तुम्ही माझ्या आयुष्यात सुख समृद्धी ज्या पण गोष्टी आणतात ना, तर त्या सगळ्यांच्या आयुष्यात येऊ आणि सगळ्यांनी त्यातून काहीतरी चांगलंच घेऊ त्यांच्या आयुष्यामध्ये, हाच माझा नेहमी त्याच्यामध्ये एक म्हणतात ना की एम असतो किंवा मोटो असतो। और आपको भी बेस्ट ऑफ लक। और अच्छा लगता है मुझे, मतलब चांगलं वाटतं मला की ज्या हाऊसवाईफ आहेत, ज्या घरी बसल्या ह्या सगळ्या गोष्टी करण्याचा ऍटलीस्ट प्रयत्न करतात ना, तो प्रयत्न करणं हे खूप महत्वाचं आहे। जो बहुत छोटे हैं वो नर्वस हो जा रहे हैं, वीडियो बनाते हैं व्यूज नहीं आ रहा उनके चैनल पे, तो मतलब कैसे वीडियो बनाना है, क्या करना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे फ्रेंड्स लोग को आप जानकारी दीजिए कि नर्वस ना हो। मुझे हिंदी में इतना एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं है, तो भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपसे हिंदी में कम्युनिकेट कर पाऊँ। और कोई छोटा बड़ा पहले तो ये बात नहीं होती है, मैं आज ये मुकाम पे जो पहुंची हूँ तो जीरो से ही स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक पहुंची हूँ। और जब अभी दीदी जैसे बता रहे हैं कि छोटे यूट्यूबर्स रहते हैं तो उनको रीच नहीं मिल पाता है या आगे नहीं जा पाते हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो वो सिचुएशन से मैं भी गुजर के मतलब यहाँ तक पहुंची हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मैं सक्सेस मिला है, तो वो फेज से जब हम लोग जाते हैं ना, तभी आप डिप्रेस मत होना, फ्रस्ट्रेट मत होना, और आपका जो काम है ना वो करते रहना। और कैसे, खुद को मोटिवेट करते रहना। आपका एक वीडियो बस क्लिक हो जाएगा ना कभी, तो फिर आपका चैनल फटाक से रीच पहुंच जाएगा। और उसमें सब छोटी छोटी चीजें भी रहती है कि सिर्फ अपने वीडियो पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है, वीडियो को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हैं जो अपने सब्सक्राइबर्स को पसंद है। आपका जो सब्सक्राइबर्स बेस रहता है, आपके सब्सक्राइबर बेस कैसे हैं, उनको क्या पसंद है, आपके वीडियो कैसे आगे जा पाएंगे, ये आप सोचो ना कि मुझे वीडियो को व्यूज नहीं आ रहा है तो अभी मैं बस छोड़ देती हूँ, बस ऐसे मत करो, खुद को मोटिवेट करते रहो। और मतलब जो मैंने किया है वो मैं आपको बोल रही हूँ। और वीडियो करते वक्त मैं एक चीज आपको बताऊँ, आपके ऑडियो पे आप फोकस करो, आपके वीडियो पे फोकस करो, आपका पिक्चर क्लैरिटी कैसा है, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। आप कैसे शूट करते हो, ट्राइपॉड यूज करते हो, जो भी एक्सेसरीज रहता है, माइक यूज करो, क्योंकि फिर आपका ऑडियो बहुत अच्छा आएगा, जो देखने में और सुनने में भी, हम लोग जैसे यूट्यूब पे अभी वीडियोस देखते हैं तो जो
क्लियरिटी और क्वालिटी अच्छा रहता है तो हम लोग को भी देखने को अच्छा लगता है, तो वो चीज पे भी आप फोकस करो। अदर सब टेक चैनल्स रहते हैं जो अपने को छोटी छोटी चीज रहती है वो बताते हैं कि स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो रहता है वो कैसे ऑपरेट करना है, उसमें एनालिटिक्स रहते हैं वो कैसे ऑपरेट करना है, ये सब मतलब बहुत चीजें जो मैं अभी इतने से पैच में नहीं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। लेकिन ये जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त हम लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते, हम लोग सब सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं तभी हम लोग उसमें जो स्कोरिंग रहता है वो कर पाएंगे। ऐसा ही यह है ये कि सिर्फ अपने शूट पे या वीडियो पे ध्यान मत दो, जो ओवरऑल पूरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म में अगर आप एक बार आ गए हो तो आपको उसके रिलेवेंट जो भी चीजें हैं वो सब चीजें आपको स्टडी करनी है। और वही बात मैं बता रही हूँ कि स्टडी करते रहो, मतलब सिर्फ एक ही चीज पे कॉन्स्टेंट मत रहो, कुछ ना कुछ नया देने का ये करो, ट्राई करो, पब्लिक को क्या अच्छा लग रहा है, आपका जो वीडियो पे रीच ज्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन है उसका, तो वो वीडियो फिर से उसमें और कुछ नया नया करके करने का ट्राई करो। तो बस मैं तो यही कह पाऊंगी, मैंने जो किया है फ्रेंकली और खुद से, मैं बोले ना खुद से ईमानदार रहो पहली चीज तो, कि जो मैं कर रही हूँ वो किसी के लिए अच्छा कर रही हूँ, मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं जो कर रही हूँ उसमें से किसी को कुछ अच्छा मिले, ये मेरा हमेशा एम रहता है मेरे वीडियो में। तो ये आप लोग भी करो, सिर्फ पैसे के लिए सिर्फ मुझे YouTube से अर्निंग करना है ये सोच के मत करो, उससे सिर्फ फायदा लेना है ये सोच के मत करो, आपका पैशन आपका हॉबीज और ये सब मतलब ना आप पूरा जान डाल दो उसमें तो आपको 100% उसमें सक्सेस जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे फ्रेंड लोग को इतनी अच्छी जानकारी दी, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। तो इस मुझे आशा है कि मैडम के बातों से बहुत लोग मोटिवेट होंगे कि मतलब हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे काम करते रहना है। तो इस बात को आप लोग समझिए, हिंदी में कुछ गलती हो रही तो मुझे माफ कर देना उसके लिए। नहीं बिल्कुल अच्छी हिंदी आपने बोली है, बिल्कुल कहीं गलत हिंदी आपने नहीं बोली है, बहुत अच्छी हिंदी बोली आप। थैंक यू सबको, थैंक यू और सबको ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, मैडम का भी चैनल देखिए और साथ में मुझे भी सपोर्ट करिए, बस आगे बढ़ते रहना है यही कहना चाहूंगा।